अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैर से होंगे। आज के इस लेसन में आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही पश्तों का मशहूर मिली तराना जिसका नाम है ए जमा वतन दलालून खजान जमा। तो ये पोइट्री इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गनी खान की है और इसको गाया है काफ़ी उस्तादों ने, जैसे कि उस्ताद अवल मीर ने और उस्ताद नशनास ने भी इसको गाया हुआ है। तो मैं जल्दी से आप लोग के लिए प्ले करता हूँ, फिर हम इसको इसके डिफरेंट पार्ट्स को सीखेंगे। अच्छा, ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो राग खमाज और पहाड़ी का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस स्केल पे आ रहा है, ठीक है। यानी लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ये मिठास लाने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। तो स्केल होगा काफ़ी गंदा आला बजा है, लेकिन खैर। अच्छा जी, तो यानी अच्छा जी, तो ये जो सबसे पहला पार्ट है इसका कि ये यहाँ से अगर सारे गा, ठीक है, गा मा पा दा नी सा, तो यानी पहला पार्ट जो होगा वो होगा इसका गा 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 रे रे सा सा रे सा रे गा गा रे रे सा सा गा गा रे रे सा सा रे सा रे गा गा रे रे सा, ठीक है। तो जो इसके बेसिक पार्ट जो इस तरह होते हैं, अब इसका नगमा वो है, यानी इसको स्टार्ट करेंगे सा से और एक नोट पीछे जाएंगे नी शुद्ध पर, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसका नगमा आपको जल्दी से प्ले करके बताऊँ तो ये वो ऐसे होगा, इसके बाद अंतर आए। तो नगमा इसका स्टार्ट हम करेंगे सा से, यानी सा 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 गा रे सा रे, ठीक है, सा 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 गा रे सा रे 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 मा गा रे गा, ठीक है, रे मा गा रे, सॉरी, ठीक है, रे रे मा गा रे गा, यानी सा 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 गा रे सा रे 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 मा गा रे गा। उसके बाद है पा पा मा गा रे सा नी सा रे पा मा गा रे सा नी सा, ठीक है। यानी जो इसका पूरा जो नगमा है वो कुछ हो गया, एक बार मैं फिर प्ले कर देता हूँ। अब इसके बाद आएगा अंतरा। अच्छा जी, अंतरा है इसका, यही है, ठीक है, चार बार प्ले होगा। तो यह अगर मैं आपको प्ले करके बताऊं तो ये कुछ होगा,
स्थाई पे जाएंगे। तो अंधारा होगा इसका, यानी ओपन जील से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा पा 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 द मा पा पा द मा पा पा द मा पा 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 द मा पा पा द मा पा पा द मा पा, तीन बार सॉरी प्ले होगा और एंड में पा पा द मा पा पा द मा पा पा द मा। अब आपने ट्रांजिशन करना ऊपर की तरफ से द सॉरी मा द पा द सॉरी मा पा पा द पा मा ग रे, ठीक है। आपने रे पे ख़त्म करना है, यानी पा पा द मा पा द पा मा ग रे। उसके बाद आपने अस्थाई स्टार्ट करनी है। इस पूरे सॉन्ग को मैं जल्दी से प्ले करता हूँ आप लोग के लिए। स्ट्रक्चर को मैं एक बार जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ। मैंने राग का कर जो है सा वो रखा है कटे के तीसरे पर्दे से। तो अगर ये सा होगा, ठीक है, तो जो ठाठ बिलावल है उसमें हम शुद्ध नोट्स लगाते हैं, ठीक है। तो सा रे कोमल छोड़ के रे शुद्ध, ठीक है, और गा कोमल छोड़ के गा शुद्ध, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे माँ, ठीक है, मा शुद्ध, ठीक है, और मा तेवर को छोड़ के मा सॉरी सारे ग मा, ठीक है, मा तेवर को छोड़ के पा शुद्ध, ठीक है, और पा के बाद द कोमल को छोड़ के दा शुद्ध, ठीक है, नी सा जिसके जिसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो सा रे ग मा पा दा, ठीक है, दा और नी सा। तो ये ठाठ बिलावल के नोट्स हैं। राग स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता ये कौन सा राग है। तो आई होप आप लोग पसंद है। आप लोग इसको यहाँ भी प्ले कर सकते हैं। चलिए ऊपर ना आ जाए, अब वो नोट मुझे नहीं मिला, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वो जील तरह होंगे, लेकिन खैर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आप इसको यही से प्ले करें, काफ़ी अच्छा साउंड आ गया। एक बार फिर मैं लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, सा रे ग मा पा द नी सा सा नी द पा मा ग रे सा। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है वो गुलदीप ज़ुल्फ़ों का होगा। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट लेसन।